लेकिन इसकी टेल सबसे जो सबसे डिफरेंट इसकी टेल होती है। ठीक, आगे इसकी डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको डिस्क ब्रेक के अंदर भी आपको चेंजिंग मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए फिर से हाजिर हो गए अच्छी सी न्यूज़ की वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है इंटरेस्टिंग तो होने वाली है, मगर साथ ही साथ आप देख सकते हैं BMW S1000 RR का अपने रेप्लिका लेके आ गए। ये आप लोगों को पता है कि जिस तरह के BMW ने लुक चेंज करी, उसी तरह रेप्लिका में लुक इसकी चेंज होगी। आज इस बाइक का जो आपको 360 इंशाल्लाह तरह व्यू भी देंगे और आपको पूरी तरह से बाइक दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि बाइक किस चीज़ की है। इंशाल्लाह तआला जो आपको रिव्यू भी पसंद आएगा, और इंशाल्लाह तआला जितने भी हमारे चैनल पर अपने रिव्यू देखें, इस तरह का अभी तक आपने कोई रिव्यू नहीं देखेंगे मिलेगा। आज हमारे साथ मौजूद है अल्काई मोटर्स के ऑनर अहमद भाई, उनसे ज़रा बातचीत करेंगे कि बताएंगे कि 400cc के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन आती है। तो आपका टाइम वेट करें, एक बार वीडियो करते हैं स्टार्ट, तो चलते हैं। अहमद भाई जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद भाई आपका? ठीक ठाक। तो अहमद भाई, हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए एक बड़ी समझ लें कि एंटीक किस्म की बाइक लेके हैं, जिसको BMW S1000 RR के नाम से भी जानी जाती है। बताना शुरू करें कि क्या बाइक है, क्या चीज़ है। दानिश भाई, ये बड़ी डिमांडेड बाइक है। ठीक है। और BMW S1000 RR RR ये मॉडल है। बिल्कुल ऐसा। और इस टाइम ना आपको पता है पाकिस्तान में ना इम्पोर्ट बंद है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से आई थिंक कितने भी पाकिस्तान में शोरूम है ना, तो ये बाइक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने ऑलरेडी कोई 20 दिन या 30 दिन पहले भी इसका एक व्लॉग बनाया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग लगते ही हमारे 2-3 घंटे बाद सेल आउट हो गया था। सही हो। तो ये हमारे पास फिर से मौजूद है, 0 मीटर में है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक। और जितने भी आप रेप्लिका बाइक्स देखें, सबसे डिफरेंट लुक आती है इसकी। जितने भी इसके ग्राफिक्स हैं, इंजन की शाइन देखेंगे, और इसके जो पल्ले जिसको कलर पेंट कहते हैं, वो भी डिफरेंट है। ऐसा ही है, क्योंकि जितनी बाइक आ रही इसमें वो ब्लैक कलर का कलर दे रहे हैं, इसमें गोल्डन कलर उन्होंने इंजन को लगाया। आगे इसकी डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको डिस्क ब्रेक के अंदर भी आपको चेंजिंग मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मिलेगी इसकी डिजाइन में, इसकी जो चौड़ाई लंबाई जो भी कहते हैं उसमें काफी बिग इसकी कौन सी ना डिस्क ब्रेक है। आपको ये ABS की कमी महसूस नहीं होने देते। डबल कैलिबर के साथ ये पिस्टन उन्होंने लगाया इसको, और बहुत अच्छी इसकी ब्रेकिंग है। ठीक हो गया। उसके अलावा व्यूअर्स, आपको बताए चलें कि आपको बता चलूँ कि 400cc कैटेगरी के अंदर ना एक जो सबसे कहते हैं ना कि बाइक के आपके जो पैसे पूरे करता है, वो है कि BMW, क्योंकि है तो रेप्लिका, मगर उनका मकसद बनाने का है कि लगे ना कि ये कोई रेप्लिका बाइक है। जिस तरह के बाइक के आप लुक्स देख सकते हैं, एक बार समझ लें कि बंदा देख के ना उसका शौक पूरा हो जाता है, कहता है यार क्या चीज़ है, लेने को दिल कर देता है, फिर वो कहीं से पैसे जोड़ के ले लेता है। कलर की बात करते चले तो कलर बड़ा अट्रैक्टिव से है मेरे ख्याल से, मुझे पाइन एप्पल कलर है ये। जी, इसको पाइन रेड कहते हैं। सही है, एक रेड आता है, ये पाइन रेड है, ये बड़ा गुड लुकिंग कलर है सर। ठीक हो गया। उसके अलावा व्यूअर्स, आपको बताए चले इसकी टेल सबसे जो सबसे डिफरेंट इसकी टेल होती है, जिस तरह की आपको पता है यहाँ से आपको मेटल बॉडी मिलती है, और पीछे से आपको आके यहाँ पे टेल इसकी देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको पता है कि जिस तरह के जितने भी रेप्लिका बाइक्स हैं सबसे डिफरेंट है। उसके अलावा बैक के आपको टायर बताते हैं तो 170/17 का इसके अंदर आपको बैक पे टायर देखने को मिल जाता है, गोल्डन चेन। उसके अलावा आपको पता है कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि फ्रंट से इसकी लुक इस तरह की है, जिस तरह आप कहें कि एक डायनासोर नहीं होता उस तरह का, जिस तरह का उसकी लुक है। आपको इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट 80 प्रोजेक्ट का लगा हुआ मिलेगा, और प्रोजेक्ट के जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कोई सिंपल एग्जॉस्ट नहीं है, अच्छी क्वालिटी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर। अगर आपको स्टॉक पसंद है तो आपको वो भी लगा देंगे। उसके अलावा आपको पता है बैक पे सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल डिस्क कैलिपर पर आपको ब्रेक देखने को मिल जाती है। आज आप लोग को साइड से और हर तरह से दिखाने का मकसद है, ताकि आप लोग को भी पता लग सके कि बाइक के अंदर कैसे कैसी स्पेसिफिकेशन आती है, और क्या क्या बाइक के अंदर होता है। इस तरफ से आप बाइक का जो इंजन है वो देख सकते हैं। अहमद भी जरा थोड़ा सा गाइड करें, EFI तो नहीं है बाइक ये? नहीं, ये कार्बोरेटर बेस है। सही है। आपको पता है EFI बाइक अच्छी होती है फ्यूल एवरेज के मुताबिक। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में अभी इतने अच्छे मैकेनिक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर हैं, आपको पता है जरा, वो लाहौर से बाहर की सिटी गई है। बिल्कुल, कोई फैसलाबाद से, कोई रिंग यार खान से है, ऐसा ही है। इस तरह अदर सिटियों से हमारे पास कस्टमर है, लेकिन अभी उधर ना इतने कस्टमर EFI के जो मैकेनिक है ना वो नहीं बने। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसलिए कार्बोरेटर बेस में हम ज्यादा काम करते हैं कि कोई आम मैकेनिक भी इसको कौन सा ना आपको ट्यूनिंग करके आपके मामला हल कर सके। लेकिन अगर आप ये 0 मीटर बाइक लेते हैं, लेकिन ये आप माइंड में रखें कि 2-3 साल आपको जरूरत नहीं पड़ती अच्छा इसमें कोई काम करवाने की। ठीक हो गया। मतलब इसके मेंटेनेंस चार्जेस वैसे क्या लेते हैं आप सर? इसमें ना 2000 रुपये ट्यूनिंग का ले रहे हैं ड्यूल स्टैंडर्ड बाइक का। सही है। लेकिन इसमें हम ऑलरेडी जो 0 मीटर बाइक है
वो हम इसकी दो ट्यूनिंग फ्री देते हैं, ठीक हो, और 6 मंथ की इसकी इंजन की वारंटी आ जाती है, ठीक हो गया, ठीक है। अगर कोई कस्टमर हमारा लाहौर के बाहर है तो हम उसके वो अगर हमारे से ये ट्यूनिंग नहीं करवाना चाह रहा हम उसके उसके पैसे माइनस कर देंगे, वो अपने शहर से अपनी सिटी से इसकी ट्यूनिंग करवा ले। चलिए ठीक हो गया। अभी आपको इसका जो है डिस्प्ले करवाते हैं, जरा मीटर इसका समझ लें, बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है। ये आप देखते हैं पहले साइंट लिखा होता है इसके अंदर, आपको दो कलर अहमद भाई, दूसरा कलर कहाँ से चलता है सर? कलर ये देखें, अब ये इसमें सबसे पहले ये वाइट कलर है, सही है, ठीक है, ये डे टाइम के लिए बिल्कुल है। अगर आप रात को जी हाँ ठीक है, अगर आप रात को अपनी लाइट हेडलाइट ऑन करते हैं, ये देखें ये लाइट हमने ऑन की, ये आपको कलर डिस्प्ले आपको कौन सा ना चेंज कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। मेरी ये समझ ले कि मेरे ख्याल से अहमद भी किसी और बाइक में नहीं दे रही है। नहीं जी, ये अभी तक जितने भी एलसीडी वाले काफी मॉडल आए हैं, R1M में भी बड़ा अच्छा मीटर उन्होंने दिया, लेकिन ये जो कलर वाला मामला आता है ना सब, अभी सिर्फ BMW 1000RR जो 2023 की लुक और 2022 की लुक है ये, ठीक है, इसी में आ रहा है। ये जो आप कहते हैं ना इसके जो मिरर्स हैं उनके अंदर भी आपको बड़ी अट्रैक्टिव सी लाइट देखने को मिल जाती है, और भी किसी मॉडल के अंदर नहीं मिलती, वो आफ्टर मार्केट आप लेवल में मिलती है। मगर समझ लें कि BMW का जब मॉडल उन्होंने लॉन्च किया था, उन्होंने हर चीज़ की तरफ ध्यान दिया था कि कोई भी चीज़ के अंदर किसी किस्म की, इसमें USB पोर्ट भी उन्होंने दी है, हर चीज़ को लोगों के लिए ना उन्होंने मद्देनजर रखा है कि किसी चीज़ की इसमें कमी ना आए, ठीक है। फिर इसके जो आपने जो कहते हैं ना फ्रंट हैंडल्स वगैरह, वो आप देखें जिस तरह के आप लोगों को पता है कि बहुत पहले एक डुकाटी का मॉडल आया था, उसके बाद उस मल्ले के आने शॉर्ट हुआ हुआ, पता नहीं क्या मसला उसका, मगर ये देख सकते हैं इसके अंदर आपको फिटिंग वगैरह सेम टू सेम उसी तरह की है, सिटिंग पोजीशन जो इसकी है वो बड़ी अच्छी है, और उसके अलावा दानिश भाई इसके शॉक होते हैं एडजस्टेबल, अच्छा ऊपर ये यहाँ से फिटिंग होती है, कुछ लोग चाहते हैं वो अपने आप को इसको बिल्कुल नीचे मूव करके इसको कौन सा ना कंट्रोल करें, तो इसके अंदर ऐसी फिटिंग रखी है, आप इसके ये शॉक देखें ना काफी डिफरेंट शॉक लगे, जी 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 बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक हो गया। आजकल काफी लोग लाइक करते हैं, कहते हैं यार हमें डाउन बाइक चाहिए, और आप लोगों को पता है जब डाउन बाइक हो जाती है उसकी लुक किस तरह की आती है। उसके अलावा देख सकते हैं RR के इसके ऊपर लोगो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अहमद फोन नंबर एंड लोकेशन से पहले जरा इसका साउंड चेक करवाएं, ताकि लोग जो हैं अट्रैक्टिव भी हो उसकी तरफ और साउंड की तरफ से जी जरूर एग्री हो जाए। ठीक हो गया व्यूअर, इसका मैं कहता हूँ साउंड मैं क्या बोलूँ यार, आप लोग जब आएंगे ना लाइव सुनेंगे आप खुद एक दफ़ा जब डर जाएंगे कि यार ये एक समझ लें कि जिस तरह क्या कहते हैं कोई शेर नहीं ऐसे घुर्राता जिस तरह लाइन आप कहते हैं उस तरह करके इसकी आवाज़ है, लुक भी आप देखते हैं जिस तरह लाइन नहीं होता शेर की तरह लुक है, और बाइक का साउंड में समझ लें शेर की तरह ही है। और बाकी अब इसकी तरफ चलते हैं प्राइस की तरफ, और उसके बाद बात करते हैं इस लोकेशन की। दानिश भाई इसकी आपको पता है डॉलर काफ़ी ऊपर जा रहा है मार्केट में ना, बिल्कुल ऐसा तो ये हमारे पास जितनी भी बाइक है ना ये सब डॉलर के मुताबिक ही है, ठीक हो, क्योंकि हम बाइक से इम्पोर्ट करवाते हैं चाइना से, ठीक हो। तो अभी जो इसकी न्यू की प्राइस जा रही है ना वो 9 लाख रुपये जा रही है, सही है। ये जो आपका मॉडल खड़ा जी बिल्कुल 400cc जी 400cc है, ड्यूल सिलेंडर है, वाटर कूल इंजन में, ठीक है। अहमद भी इंस्टॉलमेंट के बारे में गाइड करें सर। इंस्टॉलमेंट पैकेज हमारा इंशाल्लाह हर बार आपको बताते हैं कि मौजूद मिलेगा आपको, ठीक है। इस पे हमने कोई लिमिट नहीं रखी कि 6 महीने बाद क्लोज हो रहा है या 2 महीने बाद क्लोज हो रहा है, ठीक है। जब भी आप कोई हमारे न्यू व्यूवर्स भी ये वीडियो देखें 60% पहले पैसे दें, ठीक है, और बकाया 6 महीने में आप जो इसकी कैश की प्राइस है वही आपको मिलेगी, ठीक है। मतलब ना इसमें गुंजाइश करेंगे, ठीक है, ना इसमें ऊपर कोई एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। अगर आप कैश पे जाते हैं तो इसमें 10,000 रुपये की आपको लेसेशन काट दें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा व्यूअर साहब ने बाइक का जो है टोटल रिव्यू देखा, स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर आपको लोकेशन नहीं भी समझ आती तो हमें लोकेशन गूगल मैप पे मिल जाएगी आपके अलकायम जी, गूगल पे आप अलकायम ऑटो लिखें आपको उधर से करंट लोकेशन मिलेगी। अगर आपको वो भी नहीं सर्च करना आ रहा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें मैं आपको करंट लोकेशन दे दूंगा, ठीक है। अहमदी अब जरा बता दें लोकेशन के बारे में। लोकेशन सर हमारी लाहौर में है, मैकलोड रोड हमारा बड़ा मशहूर है, लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको नहीं पता चलता, बिल्कुल ऐसे ही। एक साइड पे हमारे लक्ष्मी चौक लगता है, लक्ष्मी चौक से आप स्टेशन की तरफ आए तो ये लाहौर होटल प्लाजा है, सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों का, ठीक है। इसकी 5 नंबर दुकान है हमारी कॉर्नर पे दरमियान है, यहाँ पे अलकायम ऑटो का आपको बोर्ड मिल जाएगा, ठीक हो गया। मतलब फोन नंबर बता दें जरा जी, फोन नंबर की बात करें तो 0303406489, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो आपने देखी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देगा, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी व्यूवर्स हमारे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि यार कुरन दादी में इंशाल्लाह ताला जितने भी व्यूवर्स हैं उनको बताएंगे कि क्या हिसाब सर था। इस पे इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं देखने वाले हैं थोड़ा इंतज़ार करें, इसलिए आपको अनाउंस किया है कि ये जो दिल में खुशी होती है उसके लिए आपके साथ ये अनाउंस किया है, बिल्कुल। लेकिन अभी इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पता है किसी भी लोकेशन को तैयार करने के लिए
जो ठेकेदार होते हैं वो टाइम लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही 6 मंथ का उन्होंने हमारे से टाइम लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6 मंथ में ये हमें प्रॉपर कर दे, तो 7-8 महीने लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो आपसे वादा किया है उसको लाजमी पूरा करें इंशाल्लाह चला। ठीक है, तो व्यूअर्स आपने देखा है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।